डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में पिछले कई लेक्चर्स में अलग अलग कंसेप्ट हमने समझे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। ठीक पिछले लेक्चर नंबर 15 में भी एक कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम लेकर सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, और एक कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। इसके अंदर भी हम ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के कवर करेंगे हम लोग। तो अगर इस आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से अगर सुन लिया, जो कंसेप्ट है वो नोट डाउन करते चले गए, तो इसे एक क्वेश्चन के थ्रू न जाने कितने क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक की समरी होती है। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है, इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का बैलेंस है, वो कैश एंड बैंक का बैलेंस है। ठीक, तो यहाँ पे देखें, रिसिप्ट साइड में पहली एंट्री में कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ क्लियर ही बोला हुआ है कैश का और बैंक का बैलेंस है। नहीं भी बोला होता, सिर्फ बैलेंस बीडी के नाम से लिखा होता तो भी हम समझ जाते कि कैश एंड बैंक का बैलेंस ही है। ठीक, तो अगर बैलेंस बीडी भी लिखा हो तो मतलब कैश एंड बैंक का बैलेंस है। फिलहाल हमें कैश एंड बैंक बायफरकेट करके दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट की पहली एंट्री में जो बैलेंस दिया होता है, ये कैश एंड बैंक का वो बैलेंस है जो लास्ट ईयर से कैरी होके आया है। ठीक, तो ये इस साल के बिगिनिंग का बैलेंस है। अब कैश एंड बैंक असेट होती है, तो ये ईयर बिगिनिंग की असेट है, इसलिए इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। यहाँ हम दो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट ईयर बिगिनिंग की बैलेंस शीट और ईयर एंड की बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में हम लिखेंगे कैश इन हैंड। तो कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड? 27,000। ये हमने 27,000 रुपीस लिख लिए। उसके बाद बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, सो हम इसको भी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। कैश एट बैंक के नाम से दिया हुआ है और अमाउंट था 80,000। ये हमने अमाउंट 80,000 लिख लिया। ठीक, तो देखिए एक एक एंट्री हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद रिसिप्ट साइड में अगली एंट्री दी हुई है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी क्लब के जो मेंबर्स होते हैं उनसे हर साल जो मेंबरशिप फीस मिलती है वो, तो हर साल जो मेंबरशिप फीस मिलती है सभी क्लब के मेंबर से, वो सब्सक्रिप्शन होता है। ये क्लब के लिए इनकम होती है, तो सब्सक्रिप्शन यानी एक इनकम 7,50,000। तो ये इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शंस। अमाउंट अंदर ही लिख लेते हैं 7,50,000 रुपीज़, इसमें एडजस्टमेंट है। सो देखे, तो हम पहले एडजस्टमेंट में जाके देखते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ईयर बिगिनिंग में, कितना आउटस्टैंडिंग है 50,000। यानी इस साल जो हमको सब्सक्रिप्शन के 7,50,000 रिसीव हुए ना, इसमें से 50,000 तो पिछले साल का जो अरियर था वो मिला है। रिपीट कर रहा हूँ, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ था वो हमने इनकम में लिखा था 7,50,000। इस साल 7,50,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। अच्छा, पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था, देखिए डेट देखिए, डेट क्या दी हुई है, तो पिछले साल के एंड की डेट दी हुई है 31 मार्च 2019। तो पिछले साल सब्सक्रिप्शन एरियर था यानी आउटस्टैंडिंग था यानी ड्यू था कितना 50,000। पिछले साल 50,000 आउटस्टैंडिंग था, तो हमको ये मान के चलना है कि इस 7,50,000 में से 50,000 तो पिछले साल का है, 7,50,000 में से 50,000 तो लास्ट ईयर का है। सो वो इस साल की इनकम नहीं हुई, वो लास्ट ईयर इनकम में लिख दी गई होगी, तो इसमें से 50,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस 50,000 के बारे में, लास्ट ईयर के अमाउंट के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, नीचे देखें पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2019 रिसीव्ड 45,000 ओनली। कहा है कि जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 50,000, वो 50 पूरा नहीं मिला है, उसमें से हमको 45,000 ही मिले हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, अगर ये एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट नहीं होता, तो हम यही मानते हैं कि हमको पिछले साल के 50,000 पूरे मिल गए।
ये मानते हैं, पर डिस्क्राइब दिया हुआ है हमको कि 45 मिले 50 में से, इसलिए हम 45 ही माइनस करेंगे। तो 7,50,000 में से 45,000 लास्ट ईयर के हैं, तो हम 45,000 माइनस कर रहे हैं। किस नाम से माइनस करेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर के 45,000 हम माइनस कर लेंगे। बाकी कितने बचे वो हम अंदर लिख लेते हैं, तो बाकी बचे 7,05,000 रुपीस, ये हमने अंदर लिख लिया। अब ईयर एंड में कितने आउटस्टैंडिंग है, तो ईयर एंड में देखें, इस सेशन के एंड में मतलब 90,000 रुपीस, इस सेशन के एंड में 90,000 आउटस्टैंडिंग है। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, सेशन के एंड में कितने आउटस्टैंडिंग है? 90,000। अच्छा, पुराने अभी भी चल रहे आउटस्टैंडिंग ईयर एंड तक कितने? 5,000। ये 5,000 कहां से आ गए? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थे, लास्ट ईयर लास्ट सेशन के एंड में आउटस्टैंडिंग थे 50,000, उस 50 में से हमको मिल चुके हैं 45,000, यानी पुराने 5,000 अभी भी बाकी है। तो इस सेशन के एंड में 2020 में जो 90,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें 5,000 तो पिछले सेशन के हैं, यानी इस साल के कितने आउटस्टैंडिंग है? तो इस साल के आउटस्टैंडिंग है 85,000, टोटल 90,000 है, इसे 5 तो पुराने हैं, इस साल के 85,000 आउटस्टैंडिंग है। तो ये 85,000, इस साल के 7,05,000 मिल चुके हैं, 85,000 और मिलना है इस साल के, तो वो भी इसी साल की इनकम हुई। तो एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये हमने लिख दिए 85,000 रुपीज। तो इसको एड कर लेते हैं, कितना होता है अमाउंट? तो ये अमाउंट हो गया 7,90,000 रुपीज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं आपको फिर से बताऊं कि पॉइंट को ऐसा जनरल उसमें मत ले लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को पीछे ले लेना, क्योंकि आज के क्वेश्चन में हम सिर्फ वही वाले पॉइंट्स उठा रहे हैं जहां पे बच्चे यूजुअली अटकते हैं, जहां पे अक्सर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सिर्फ वो वाले पॉइंट्स मैं आज लेने वाला हूं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे यहां पर देखिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डेट दी है, दो कॉलम जो हमको बना के दिए हुए हैं, ये जो नीचे दो कॉलम है, तो एक तो इंफॉर्मेशन दी हुई है लास्ट ईयर के एंड की, ये पहला कॉलम जो है 31 मार्च 2019, यानी लास्ट ईयर एंड के डेटा दिए हुए हैं। तो सेकंड कॉलम में करंट ईयर के एंड, यानी 31 मार्च 2020 के एंड की जो इंफॉर्मेशन से वो दी हुई है। ठीक है, अब अगर यहां पर यूं लिखा होता फॉर द ईयर एंडेड, एक ये सेंटेंस में और डाल देता हूं, मान लो बहुत सारा चेंज आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, अगर यहां पे लिखा होता फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 19 एंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 20, मैंने दोनों डेट में क्या डाल दिया, फॉर द ईयर एंडेड 19 एंड फॉर द एंडेड 20, ऐसा कर दिया। तो इसका अगर ऐसा सेंटेंस डाल देंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें बहुत फर्क आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा? 31 मार्च 19 को जो सेशन एंड हो रहा है, सिर्फ उस सेशन के 50,000, 31 मार्च 20 को जो सेशन एंड हो रहा है, सिर्फ उस सेशन के 90,000, अगर ये फॉर द ईयर एंड डाल देंगे तो इसका मतलब इस ये जो 90,000 है ये सिर्फ 1920 के है, मतलब जो 31 मार्च 20 को सेशन एंड हो रहा है, फॉर दैट ईयर ओनली 90,000, इससे पुराने 5,000 जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये मिनी निकल जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉर द ईयर एंडेड इसके साथ डेट के साथ वर्ड नहीं हो, और अगर वर्ड हो दोनों में फर्क है। तो अभी तो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था, मैंने 2 मिनट के लिए हटा दिया, क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। तो यहां पर जो 50,000 है ये 31 मार्च 19 तक के है, 90,000 जो है ये 2020 तक के, तो 2020 तक के, सिर्फ 2020 वाले सेशन के नहीं है, सिर्फ सेशन 2020 के ये 90,000 नहीं है, 2020 तक के पूरे हैं। तो इसमें 5,000 पुराने जो बाकी है वो भी इस 90,000 में इंक्लूड है। और अगर
फॉर द ईयर एंडेड डाल दिया, तो ये 90,000 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020 वाला हो गया, तो सिर्फ इस एक सेशन का हो गया, फिर 5 ईयर में इंक्लूड नहीं माने जाएंगे, फिर 90,000 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे, वो यहां एड होंगे। तो कितना फर्क है ये समझ लीजिएगा। तो फिलहाल तो यहां पे ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं है, ये मान के हमने माना कि अभी 31 मार्च 2020 को 90,000 है, इसमें 5 तो पुराने होंगे, ठीक। तो अगर समझ में नहीं आया हो, पॉइंट बहुत सिंपल है, कम से कम 2 से 3 बार पीछे 1-2 मिनट का लेक्चर वापस रिपीट कर करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में चला गया हूं। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लास्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला था लास्ट ईयर 22,000, वो कब के लिए मिला था? इस साल के लिए। लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो इस साल के लिए था, तो वो इस साल के 7,90,000 में एड हो जाएगा। इस साल के लिए मिला था इसलिए एड, एडवांस इन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर एडवांस मिला था 22,000, वो इस साल के लिए था, वो एड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एड कर लिया, तो कितने हो जाएंगे? 8,12,000 रुपीस हो गए। अब ये जो 7,90,000 इस साल हमको रिसीव हुए हैं ना, इसके बारे में एक बात और बोलिए, सब कुछ रिसीव इन एडवांस इस साल कितना है? इस साल एडवांस 2020 में कितना एडवांस है? 28,000। तो करंट ईयर में जो 28,000 रुपीस मिले हैं, कर्सर देख लीजिएगा कहां चल रहा है, तो इस सेशन के एंड में जो 28,000 एडवांस है ये अगले साल के लिए है। इस 7,90,000 में से 28,000 अगले साल के लिए है। जैसे लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो ऐड किया, वैसे इस साल जो एडवांस मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, वो हम माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 28,000 रुपीस, और अब सब कुछ एडजस्टमेंट हो गए, फाइनल अमाउंट हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, जो बाकी के माइनस करके जो बचता अमाउंट बाहर लिख देंगे। सो ये हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाहर लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, तो लेक्चर में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए आपके सब्र की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना कूल माइंड से, जितना कंसंट्रेट होकर सुनोगे, कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लूं, ताकि जीवन में जब भी अकाउंट के नॉलेज की जरूरत पड़े तो आपके पास वो हो, आपको लगे कि हाँ हमारे पास नॉलेज है, चीज़ें रटी नहीं है। मैं चाहता तो मेरे पास 8 कंसेप्ट रटवा दूं तो सब चीज़ें बहुत इजीली हो जाएगी। रटना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में रटी हुई चीज़ें काम कभी भी नहीं आएगी, समझे हुए कंसेप्ट जैसे पे काम आएंगे। तो चलते हैं आगे। तो हम रिसीव साइड में चल रहे थे, तो रिसीव साइड में सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस था, वो लिख दिया था। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अभी कंप्लीट किया। अब रिसीव साइड के अगली एंट्री है डोनेशन। डोनेशन के आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, मतलब एक जनरल डोनेशन है, ये एक जनरल इनकम है। तो जितनी भी जनरल इनकम्स होती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। तो ये डोनेशन जो 40,000 हमको रिसीव हुआ है, ये एक जनरल डोनेशन है, जनरल इनकम है, इसको हम इनकम साइड में लिख देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये डोनेशंस हमने लिख दिए 40,000 रुपीस। उसके बाद एक और डोनेशन मिला है, पर ये स्पेसिफाइड है। अब यहाँ स्पेसिफाइड का मतलब किस चीज से वो सुन लीजिएगा। अगर कोई इनकम किसी असेट के ब्याह के लिए मिले, किसी प्रोजेक्ट किसी फंड के लिए मिले, वो स्पेसिफाइड है। अगर कोई इनकम हमें इंकर्ड होती है, अगर हमारे क्लब को कोई इनकम होती है किसी असेट के लिए, किसी स्पेसिफाइड असेट के लिए, किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए, किसी स्पेसिफाइड फंड के लिए, मतलब स्पेसिफाइड इनकम है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी और डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये हमें एक असेट के लिए इनकम हुई है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफाइड है, तो ये है इनकम हमारी, पर ये स्पेसिफाइड है, ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, ये बार बार होने वाली इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकरिंग नेचर की इनकम्स आती है, ये बार बार होने वाली इनकम नहीं मानी जाती जो किसी असेट के लिए होती है, जब तक स्पेसिफाइड नहीं किया हो। तो ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, बार बार होने वाली इनकम नहीं है, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे सिर्फ रिकरिंग नेचर की इनकम आती है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी।
अब अगर ये बिल्डिंग डोनेशन फॉर बिल्डिंग का कोई फंड होता, अगर बिल्डिंग के लिए कोई फंड होता तो हम लायबिलिटी साइड में अलग से वो फंड लिखकर उसमें जाके इसको ऐड करते। बिल्डिंग के लिए कोई फंड नहीं है तो अलग से लायबिलिटी में ले जाकर ऐड न करते हुए, अलग से न लिखते हुए इसको हम जो हमारा जो जनरल फंड है जिसको कैपिटल फंड भी कहा जाता है उसमें ऐड कर देंगे। इसको अलग से कोई फंड नहीं है हमारे पास तो इसमें ऐड कर देंगे डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग के अमाउंट है 2 लाख रुपीस, तो ये 2 लाख रुपीस हम जनरल फंड में ऐड कर देते हैं। तो क्या समझाया कि अगर बिल्डिंग का फंड होता तो हम लायबिलिटी में अलग से बिल्डिंग फंड लिखते हैं, ये डोनेशन के 2 लाख रुपीस उसमें ऐड करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि बिल्डिंग का कोई फंड है, ऐसा कोई क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको जनरल फंड में ऐड कर देंगे। तो जनरल फंड को कैपिटल फंड भी बोलते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड की जाती है उनको, उसका मतलब उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया, हमने डायरेक्ट इनकम में जाके कैपिटल में ऐड किया है ना, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया है मैंने वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा जब इंट्रेंस फीस नाम की चीज़ आएगी। तो आगे गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट से कुछ हमको हेल्प मिली है, चूँकि क्लब वगैरह में, एनजीओस में, सोसाइटी वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है, कहीं गवर्नमेंट के काम होते हैं जो एनजीओस करते हैं, तो कई बार अक्सर गवर्नमेंट इन एनजीओस को, इन एनपीओस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती रहती है, ग्रांट देती रहती है। तो गवर्नमेंट ने एक ग्रांट दी है, एक हेल्प दी है 3000 रुपीज की, पर इसमें यह नहीं बताया है कि किस चीज के लिए दी है। तो एक जनरल कोई हेल्प है, छोटी मोटी कोई जो रूटीन्स की चीज़ें होती है उस उन एक्टिविटीज़ के लिए कुछ हेल्प मिली है, तो ये जनरल इनकम है हमारी, ये जनरल इनकम है, इसलिए इसको इनकम साइड में जैसे लिखते हैं बाकी सभी जनरल इनकम, इनकम साइड में आती है इनकम एक्सपेंडिचर में, वहीं पे इसको हम लिख देंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट 3000 रुपीज ये हमारी जनरल इनकम है, हमने लिख दिया। एक और गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, लेकिन लिखा क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कोरोना करुण रिसर्च, एक प्रोजेक्ट है कोरोना करुण रिसर्च के नाम से। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमको पैसा मिला है, तो जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलता है तो फिर उसको अलग से लायबिलिटी में दिखाया जाता है, इसको जनरल इनकम्स में कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक। तो हमें जो ये स्पेसिफाइड फाइट प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला है ये हम अलग से लाइव टीम में दिखा देंगे, पर कहाँ इस साल मिला है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तो लास्ट ईयर से जो कैरी हो क्या ये उसको बोलते हैं, ये पैसा इस साल मिला तो इस साल की बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसको दिखा देंगे। तो कोरोना करुण रिसर्च, इस रिसर्च के नाम पर हमको डोनेशन मिला है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 20,000 रुपीज़ की, तो ये हमने 20,000 रुपीज़ ये हमने लिख दिया, ठीक। अब इससे कनेक्टेड एक पेमेंट भी दिया हुआ है, जरा उसको देखिए। तो एक्सपेंसेस ऑफ कोरोना करुण रिसर्च कितना एक्सपेंसेस हुआ, 22,000, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से हमने एक अकाउंट बना लिया है, उसका अलग से फंड बना लिया है, तो ये एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में न जाकर ये रिलेवेंट फंड में से ही यानी रिलेवेंट आइटम में से ही माइनस होंगे, तो ये एक्सपेंसेस 22,000 रुपीज यहां पे इसी चीज में से माइनस हो जाएंगे, ये माइनस कर देंगे हम। अब माइनस करने के बाद अगर कुछ पॉजिटिव अमाउंट आता तो हम इसको बाहर लिख देते हैं, या हमें रिसिप्ट हुई है 20,000 जबकि एक्सपेंसेस हुए हैं 22,000 के। इस ढंग से लाइव टीम जब भी कोई प्रोजेक्ट हम लिखते हैं, लाइव टीम में अगर किसी भी टाइप का फंड लिखते हैं, किसी भी टाइप का फंड अगर उनमें अमाउंट पॉजिटिव में आ जाए तो जो भी अमाउंट बाकी बचे वो बाहर लिख दो, लेकिन अगर नेगेटिव में अमाउंट आता है जैसे कि यहां पे हो रहा है रिसिप्ट हुई 20,000 की लेकिन एक्सपेंसेस 22,000 के हुए हैं, नेगेटिव में अगर अमाउंट आ जाता है तो ऐसे केस में इसको हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव अमाउंट है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर लिखा जाएगा डेफिसिट ट्रांसफर टू इनकम, डेफिसिट
ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या लिखेंगे? डेफिसिट ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें स्पेसिफिक कोरोना करूर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 20,000 मिले थे, उसके अगेंस्ट में 22,000 के एक्सपेंसेस हुए। पैसा फंड में बच जाता तो हमारी लायबिलिटी होती, लायबिलिटी में रखते, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट कम पड़ गया तो ये हम अपने जनरल एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर देंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जहाँ पे हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इस ढंग से अगर किसी फंड किसी प्रोजेक्ट में पैसा कम पड़ जाए तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हम वहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। डेफिसिट फ्रॉम कोरोना करूर रिसर्च, ठीक है। तो सी बैलेंस शीट, तो ये हमने कितने नेगेटिव में थे, 2000 रुपीस, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगली चीज पे चलते हम लोग। अब अगली चीज क्या है, देखिए, तो हम पहुंच गए थे, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली थी हमको कोरोना करूण के लिए, उसका ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, अगर एक ही हेड में इनकम भी हो एक्सपेंडिचर भी हो तो नेट करके लिखना चाहिए, ठीक है। पर कहीं कहीं एक्सेप्शनल है कि उसी हेड में इनकम भी हो, एक ही हेड में इनकम भी हो एक्सपेंडिचर भी हो, फिर भी दोनों को अलग अलग लिखना चाहिए। कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि यहां पर है, न्यूज़पेपर पे अगर हम कुछ खर्च करते हैं और न्यूज़पेपर की जो रद्दी होती है, जो वेस्टेज होता है, उसको हम बेचते हैं, उससे जो हमें पैसा मिलता है, इनको हम नेट करके कभी नहीं देखते। जनरल लाइफ में देख लीजिए आप, हर महीने मान लो 150 रुपीस का न्यूज़पेपर का बिल आता है, हर महीने दो मिनट के लिए मान लो कि 150 रुपए का न्यूज़पेपर का बिल आता है, और ऑन एन एवरेज साल भर में जितनी भी रद्दी बेची जाती है उस पर मंथ हमको 5 रुपए रद्दी के मिल जाते हैं, तो क्या हम ये मानेंगे कि हर महीने 145 रुपीस न्यूज़पेपर पे खर्च होता है? नहीं, हम कहने में यही आएगा कि 150 रुपये हर महीने न्यूज़पेपर का बिल आता है। हम उस रद्दी को उसमें से एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रद्दी के नाम पे जो पैसे मिलते हैं हमको, वो खर्च के कंपेरिजन में न के बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट न के बराबर होते हैं, तो इनको हम नेट करके नहीं देखते। तो बात चल रही थी कि अगर एक ही हेड में इनकम भी हो और एक्सपेंडिचर भी हो तो नेट करके लिखना चाहिए, पर कहीं कहीं ये एक्सेप्शंस होते हैं, जहाँ पे एक ही हेड में इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है, तो हम अगर नेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे न्यूज़पेपर के केस में, तो न्यूज़पेपर को रद्दी जो बेची हुई थी 200 मिले हैं, जबकि अगर हम पेमेंट में देखें, थोड़ा ये पेमेंट में देखें, तो न्यूज़पेपर पे 800 रुपये खर्च हुए, तो हम 600 नेट करके नहीं लिखेंगे, हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे। न्यूज़पेपर का एक्सपेंसेस 800 रुपये, ये देखे पेमेंट में दिया हुआ है, ये देखे जहाँ पे कर्सर चल रहा है, तो न्यूज़पेपर की जो वेस्टेज हमने बेची है, वेस्टेज पेपर बेचे हमने, उसे 200 मिले हैं। तो अक्सर इनको नेट करके नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। पेमेंट में जो दिया हुआ था 2 न्यूज़पेपर, पेमेंट में जो 800 दिए थे वो हमने एक्सपेंसेस में लिख दिए, जो रिसीप्ट में दिए हुए थे वो हम इनकम में लिख रहे हैं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो ये 200 पीस हमने लिख दिया, इनको नेट नहीं किया। यूजुअली ऐसे एक ही आइटम में रिसीप्ट और पेमेंट हो तो नेट करके लिखना है हमको। तो आगे चलते हैं, तो रिसीप्ट साइड की अगली चीज देखें, सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है, एक असेट की सेल दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, असेट की सेल के केस में 3 तरह के पॉइंट्स आते हैं, ये मैंने पीछे के लेक्चर्स में समझाया था, वही यहां पे वापस रिपीट करने वाला हूं। तो पहले तो एक केस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ले लेते हैं। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू 8,000 दी हुई है और सेल किया है 5,000 रुपीस में, 8,000 रुपए का फर्नीचर 5,000 में सेल कर दिया, पहले तो सिंपल 3,000 रुपए का लॉस हो गया। ये जो 3,000 रुपये का लॉस हुआ, 8,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा, तो ये 3,000 रुपये हम इसको लॉस में दिखा देते हैं, ये हम लॉस में दिखा देते हैं, टू एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
ये हमने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, 3000 रुपये फर्नीचर का लॉस। ठीक, अब अगर यहां पर बुक वैल्यू नहीं दी होती तो उस केस में दो केस हो जाएंगे। सेल ऑफ फर्नीचर जो है इसमें अगर बुक वैल्यू नहीं दी होती तो उस केस में दो केस होते हैं कि फर्नीचर के असेट जो बेची है उसके आगे ओल्ड वर्ड दिया है कि ओल्ड वर्ड नहीं दिया है, ऐसे करके दो केस होंगे। मान लो कि यहां पे बुक वैल्यू नहीं दी होती, यहां पर अगर बुक वैल्यू नहीं दी होती और मतलब ऐसा दिया होता सेल ऑफ फर्नीचर, तो हम ये मानते हैं कि 5000 का फर्नीचर 5000 में बिक गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, अगर बुक वैल्यू नहीं दी होती और असेट के नाम के आगे ओल्ड वर्ड नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि 5000 का असेट जितनी है उतने में बिक गया, यानी जितनी सेल अमाउंट है वही उसकी बुक वैल्यू है, नो प्रॉफिट नो लॉस ये मानेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा फिर। और अगर यहां पर सेल ऑफ असेट जहां पे कि बुक वैल्यू नहीं दी हुई है वहां पे अगर असेट के नाम के आगे ओल्ड वर्ड दिया होता, ऐसे दिया होता, देखिए सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और उसके आगे बुक वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अगर असेट के नाम के आगे ओल्ड वर्ड दिया है और बुक वैल्यू नहीं दी है तो हमको यह मानना है कि असेट जिसकी बुक में कोई वैल्यू नहीं थी, बुक के हिसाब से उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी, जीरो हो चुकी थी वैल्यू, उस जीरो प्राइस के असेट को हमने 5000 में बेच दिया, पूरे 5000 इनकम हो गई, इस इनकम को एक इनकम साइड में लिख देंगे। ठीक है, अगर ओल्ड वर्ड दिया है तो हमने क्या माना कि इसकी बुक वैल्यू जीरो है, यानी बुक्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप जिसकी कोई वैल्यू नहीं है उसको हमने 5000 में बेच दिया, पूरी इनकम हो गई, सेल अमाउंट पूरी इनकम हो गई हमारी। ठीक, तो अगर बुक वैल्यू नहीं दी है तो ही हमको देखना है कि असेट के साथ ओल्ड वर्ड दिया है कि नहीं दिया है, और अगर बुक वैल्यू दी हुई है तो वहां पे ओल्ड वर्ड दिया है या नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बुक वैल्यू को सेल अमाउंट के साथ कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कैलकुलेट करके लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इस ढंग से तीन केस हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए जहां पे पॉइंट खत्म हो रहा है वापस पीछे जाओ उसको फिर से देखो, नहीं समझ में आए फिर से वापस जाओ और फिर से देखो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ वही पॉइंट से ले रहा हूं जहां पे बच्चे बार बार भूल जाते हैं और उस कारण से क्वेश्चन करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि इसको कहां पे लिखना है, सिर्फ वही पॉइंट ले रहा हूं। तो पॉइंट ही ऐसे हैं कि एक बार में समझ में आने वाले है ही नहीं ये पॉइंट, इसलिए आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा। सीधे सीधे आप लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वापस अटक जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो हर चीज रिपीट करते हुए आगे बढ़े। तो 8000 का हमने फर्नीचर बेच दिया, अब यह फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 8000 थी हम उसको बेचा, तो 8000 का फर्नीचर था ना, बुक वैल्यू 8000 दी है, मतलब क्या कि बुक्स में फर्नीचर की वैल्यू 8000 थी। क्वेश्चन कि ये फर्नीचर पुराना था कि नया था, अगर पुराना था तो इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर से कैरी होके आया है फर्नीचर, ये फर्नीचर अगर पुराना है तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर से कैरी होके आया है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा, अगर ये नया फर्नीचर है तो इस साल के फर्नीचर में से एडजस्ट होगा। ठीक, तो यहां पर अगर कुछ नहीं दिया है तो ये पुराना फर्नीचर ही है, लास्ट ईयर से कैरी हो के आया है, ये मान के चलना है। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं कि नीचे फर्नीचर के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, तो नीचे फर्नीचर के बारे में कुछ भी पॉइंट देखो, ये एडजस्टमेंट से चल रहे हैं, एंड एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है भाई, तो ये रिसीप्ट में पेमेंट अकाउंट चल रहा है, इसमें ये फर्नीचर दिया है 8000 का, 5000 में बेच दिया, पुराना फर्नीचर हमारे पास रहा होगा वो हमने बेच दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस में फर्नीचर लिख देंगे हम 8000 रुपीस, ये लास्ट ईयर से कैरी होके आया है हमारे पास फर्नीचर, तो ये असेट है ईयर बिगिनिंग की। अब ये फर्नीचर सेल हो चुका है तो ईयर एंड की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, यूजुअली जितनी फिक्स्ड असेट्स होती है कई साल तक चलने वाली जो असेट्स होती है वो जो बिगिनिंग में होती है वहीं से उठकर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में नई वाली असेट्स भी आती है, पर ये फर्नीचर बिग हमने जो लास्ट ईयर से कैरी होके आया था ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, सेल हो चुका है इसलिए इसको अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर के बाद अगली एंट्री,
प्रोसीड अप चैरिटी शो। तो चैरिटी शो, हमने कोई चैरिटी शो रखा होगा, उसके टिकट्स वगैरह बेची होगी, उससे हमको रिसिप्ट हुई है 16,000 की। और दूसरी तरफ अगर पेमेंट साइड में देखें तो चैरिटी शो पर एक्सपेंसेस भी हुए 5,000। एक ही हेड में इनकम भी हुई है, रिसिप्ट भी हुई है और पेमेंट भी हुआ है। तो नेट करके लिखेंगे, चैरिटी शो पे एक्सपेंसेस हुआ है 5,000, तो रिसिप्ट हुई है 16,000 की। 16,000 की इनकम और एक्सपेंसेस सिर्फ 5,000, यानी फाइनल हमें इनकम में है, फाइनली हम फायदे में चल रहे हैं। तो इनकम साइड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इनकम में, तो इनकम में लिख देंगे बाय प्रोसीड, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, अमाउंट कितना 16,000 रुपीज़, ये अंदर लिख दिया। इसमें से एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्सपेंसेस हुए हमारे 5,000 रुपीज़, ये माइनस करके बाकी 11,000 हमारी इनकम हो गई, ये हमने इनकम में लिख दी। तो हमने ऐसा नहीं किया कि चैरिटी शो की इनकम को इनकम में लिखा, चैरिटी शो के एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर लिख दिया, दोनों अलग अलग लिख दिया, ऐसा नहीं किया। क्योंकि एक ही हेड में अगर इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है तो उनको नेट करके लिखना है, ठीक। तो ये हमने नेट करके इसको लिख दिया। अब उसके बाद में अगली चीज आती है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट फॉर फुल ईयर। तो अगली चीज यही है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी लंबा चलेगा तो हम इसको कुछ पार्ट्स में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कंप्रेंसिव प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 1 था। अब इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे जो मिला है, यहां से लेकर हम अगले पार्ट में जाके हम इसको देखेंगे, तो हम हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। मैं इतना डिटेल में समझा दूंगा कि एक क्वेश्चन के बाद आप किसी भी ऑथर का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के करके देखें, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करके न जाने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। पर सब्र होना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से नोट करते जाना चाहिए, चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए, तो इसका फायदा मिलेगा। मैंने बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन बनाया है, इसको ऐसे ऑर्डिनरी वे में मत ले लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके सारे पार्ट्स देखेंगे मेरे, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये था कंप्रेहेंसिव प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1।